जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज सेट वन का कंट्रोल क्लास लेके आए हैं दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से, जो कि 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन पढ़ाया गया है और फिर 40 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू का स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन है दोस्तों ना उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में निम्न में से एक प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ना एक्वा रेजिया, ठीक है। इसमें धातु को घोला जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो एलपीजी का प्रमुख घटक जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मीथेन, जिसे क्या कहते हैं ना मीथेन को CH4 कहा जाता है, ठीक है। मीथेन को CH4 कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है वह विमंडन के रूप में किया जाता है, ठीक है। विमंडन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो जो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑक्सीजन जो है यह सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न एक खिलाड़ी एथलेटिक्स को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है ना ऊर्जा अधिक मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, यानी सही मेल बताना है इसमें कौन सा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनियों का अवरोधक हो जाना, ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन का रिसाव होता है? तो 46 का आंसर दोस्तों होगा ना बी, अल्फा कोशिका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्न तीन आर में से किसको पर्यावरण में अनुकूल माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्म करें, पुनः प्रयास करें और पुनः चक्रित करें, ये आंसर होगा, रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कीट मनुष्य में निर्दालु व्याधि फैलाता है और परंतु वन्यजीव के लिए या निरापद है और अफ्रीका में वेस्ट गैम वार्डन कहलाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, सीसी मक्खी जो है होगा आंसर। त्वचा पर बाल, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो त्वचा पर बाल जो है वह मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। समुद्र पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र खरपतवार में निम्नलिखित में से क्या मुख्यतः पाया जाता है? तो 50 का आंसर डी होगा, आयोडीन, ठीक है, नमक, जिससे नमक बनता है, ठीक है। अब है कंप्यूटर से क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का ज्ञान जिसमें से 20 सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, और इस सेट में बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किया गया है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर्स में यूजर्स को डैश भी कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन वेयर कहा जाता है। संसार का पहला गणना यंत्र क्या है ना विकास होगा, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिकीय छवि को डिजिटल बल्ब में बदलता है, उसे स्कैनर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? तो वीजीए का पूर्ण रूप होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वीडियो ग्राफिक्स अरे। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होगा वह बीट होगा, ठीक है। बल को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, पेंच। सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है और कहलाता है, तो क्या कहलाता है? 97 का आंसर डी होगा दोस्तों, प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने वाले गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बाइनरी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो संचार के लिए सबसे तेज माध्यम जो होगा वह फाइबर ऑप्टिकल केबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के विकास के साथ डैश एक विस्तृत श्रृंखला में सामाजिक तत्वों का शिक्षा सूचना के प्रसार को बदल दिया है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्पानेट नाम था, ARPANET। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह कौन सा मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? तो 102 का आंसर होगा बी, विकिपीडिया। विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है, तो 103 का आंसर होगा दोस्तों ना डी, माइक्रोसॉफ्ट एज। निम्नलिखित कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? तो 104 का आंसर होगा, 104 का ये होगा वर्ड। एक विल्स लोअर आर की वेबसाइट एंड विकिलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है,
तो 105 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड में स्थित। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 12, ठीक है, 106 का बी 12 होगा, ठीक है ना। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा और वह क्या होगा ना, पिक्सल पास हो जाता है। ISDN का विशिष्ट रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो 108 का ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटीग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क होगा, इंटीग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क। किसी विंडोज को आइकन में श्रिंक कर देना क्या होता है, तो 109 का आंसर होगा दोस्तों ना बी, विंडो को मिनिमाइज करना कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग में कार्य करते समय अल्ट प्लस F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा, तो 110 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुप्रयोग से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें झारखंड से 40 क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हुनरू जलप्रपात में कौन सी नदी गिरती है, ये इसका आंसर बताना है 111 का। तो 111 का ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर्णरेखा नदी। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था, सी ऑप्शन नंबर सी 1964 में, ठीक है ना। झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है, तो 113 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों ना, प्लामू होगा, ठीक है। इनमें कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा जो है वर्गीकृत नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर होगा। नेक्स्ट, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कौन सा लो एस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है, 115 का आंसर डी होगा, पश्चिमी सिंहभूम होगा। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 116 का डी आंसर जाएगा दोस्तों, रेतली मिट्टी। निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत की आखिरी शाखा कौन सा था, 117 का आंसर होगा बी, HH राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है, तो 118 का आंसर होगा दोस्तों, 118 का ए आंसर होगा, चतरा भगत होगा। 1931 में कोल आंदोलन का शुरुआत किया गया था, 1916 का आंसर ऑप्शन नंबर ना बुध भगत बी होगा। छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी, तो कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1915 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, धनंजय महतो, बिरसा मुंडा और कानू मुर्मू, ये जो है वह झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 से, इसका आंसर बताना है, तो 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली में डस बिरजनी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना 122 का आंसर डी होगा, हरिहर मिथि। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त आंसू अरण्य पीड़ा के माध्यम से स्वतंत्र आंदोलन की जीत रखा, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, नरसिंह राय। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने लोगों के भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था, तो 124 का आंसर ए होगा, खरवार आंदोलन के तहत शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नित्य डैश दर्शाया गया है, ठीक है, तो 125 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, हुंडा। डैश विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है, तो 126 का आंसर सी होगा दोस्तों, नसराईकला खरसावा होगा। झारखंड का लोकल निम्नलिखित में से किस राज्य का एक संबंधित है, तो 127 का आंसर दोस्तों नशी होगा, धातु। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति हैं कितनी है, तो 128 का आंसर डी होगा, 32 जनजाति हैं। संथाल जनजाति में प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, 129 का डी, 10 विवाह जो है कितने प्रकार का विवाह है, तो 10 विवाह प्रचलित है, 10 प्रकार के विवाह प्रचलित है। निम्नलिखित में से किस जनजाति के चार गांव को पंचायत के चट्टी, पंच गांव की पंचायत को पचोरा और सात गांव की पंचायत को सतोरा कहा गया है, 130 का आंसर डी होगा, खरवार को कहा गया है, खरवार। निम्नलिखित में से किस नृत्य को नील सुस्को कहा जाता है, तो 131 का आंसर होगा सी, न जतुर नृत्य। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है, तो 132 का आंसर बी होगा, पुरुष प्रधान जो है वह नृत्य है। जरजाटिन एवं भकुली बंका लोक नृत्य नाट्य का जो है आयोजन किन माह में किया जाता है, तो 133 का आंसर होगा दोस्तों ना ए, कार्तिक सावन और कार्तिक के माह में किया जाता है, ठीक है। अब पढ़ना है 134 नंबर, न श्रावणी मेला और तपोन मेला, बुढ़ायू मेला और पथरोल मेला एवं भूभूत का मेला और दोमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों 134 का आंसर बी होगा, देवघर में किया जाता है। मंडा पर्व कब मनाया जाता है, तो 135 का आंसर होगा दोस्तों ना सी, 35 का आंसर सी होगा, बैसाख माह के अक्ष तृतीय को। जनजाति भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो 136 का आंसर डी होगा दोस्तों, उपयुक्त में सभी जो है सत्य है। भाषा के आधार पर यहाँ की जनजाति को दो भाग में बांटा गया है, इसे आश्रित मुंडा और द्रविड़ियन कहते हैं। द्रविड़ भाषा के वर्ग में कुड़ुख उराव यानी मालतो और श्रीया एवं माल पहाड़ी भाषाएं आती है।
अन्य भाषा बोली और राष्ट्रीय भाषा समूह शामिल किया गया है। ठीक है, जनजाति साहित्य में सर्वाचलित प्रचलित है तो 137 का आंसर होगा दोस्तों एक लोक कथाओं का है। निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा साहित्य का विश्वकोश माना जाता है तो 138 का आंसर ये होगा दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया मंडारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के मुताबिक झारखंड कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना गया है तो 140 का आंसर होगा बी, 140 का बी होगा दोस्तों। झारखंड के किस प्रकार के हुड़को झील स्थित है 140 का आंसर होगा ना ए होगा जमशेदपुर। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था ठीक है तो पुरनमल ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 140 का आंसर डी सही है। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सार्वजनिक पेंशन योजना का लाभार्थी कौन हो सकता है तो 142 का आंसर डी होगा दोस्तों। उपयुक्त में सभी जो 60 वर्ष या उससे अधिक के वृद्ध, 18 या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला और 5 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगन ठीक है या HIV या एड्स पीड़ित लोग। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है तो 143 का आंसर डी होगा दोस्तों ना खूंटी। सोना सोवरण योजना के सामने कौन सा कथन सत्य है 144 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में सभी है, इस योजना के तहत 10 रुपये धोती लूंगी साड़ी दिया जाएगा। इस योजना के लाभ में 2 बार गरीब रेखा नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। इस योजना में सुचारू रूप से चलने के लिए 200 करोड़ रुपये का व्यवस्था की गई है। उस स्टेडियम का नाम बताना है जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट स्टेडियम है तो 145 का आंसर डी होगा दोस्तों, JSCR इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोह शहीद कौन था 146 का आंसर बी होगा दोस्तों, तिलका मांझी। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था तो 147 का आंसर सी होगा, गया मुंडा होगा। ठीक है, झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में कथन सही कथन जो है चुने, इसका आंसर सही कथन क्या होना चाहिए तो 141 का जो आंसर होगा वह डी होगा। इसे 3 मार्च 2023 को डॉक्टर रामेश्वर उराव ने पेश किया ठीक है, और इस वर्ष कुल 1,10,000 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट जो है पेश किया गया। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नाम दिया गया है। और नेक्स्ट है, झारखंड के किस जनजाति नेता के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 149 का आंसर डी होगा, बिरसा मुंडा। अब नेक्स्ट है, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है तो 150 का आंसर बी होगा, आदिवा। और आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज तक यहीं, जय हिंद जय भारत।